अब ब्रीफ मैं आपको कर देता हूँ। हमने पूरा ब्रेन किस तरह से काम करता है, इनपुट जोन्स कौन से होते हैं, कॉग्निटिव जोन्स कौन से होते हैं, तो ये समझा था। और एज अ टीम पूरा ब्रेन किस तरह से काम करता है वो हमने देखा था, शुरुआत जब की थी। तो उसके उसके रिकॉर्डिंग्स ऑलरेडी अवेलेबल है, अगर किसी ने मिस कर दिया है तो वो अटेंड कर सकते हैं। और हमने ऑक्सीपिटल, हम विजुअल लोब किस तरह से काम करता है, और विजुअल लोब के दो पार्ट्स होते हैं, L5 R5। तो L5 R5 को हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि L5 का क्या रोल है, R5 का क्या रोल है। L5 विजुअल एप्रिसिएशन का काम करता है, फील करने का काम करता है, और नॉर्मली राइट ब्रेन की जहाँ पे अभी बात आएगी वहां पे फील करने की बात आएगी, इमोशंस की बात आएगी। और लेफ्ट ब्रेन की जब भी बात करेंगे, या लेफ्ट ब्रेन का कोई भी लोब होगा तो वो एनालिसिस करने का काम करेगा, वो चीजों को ब्रेक करके चीजों को ब्रेक करके देखेगा, डिटेल में देखेगा, पूरी तरह से एनालिटिकल होगा, क्रिटिकल होगा। तो लेफ्ट ब्रेन जहां पे भी आएगा वहां पे क्रिटिसाइज करने की बात आएगी, लॉजिकली चीजों को देखने की बात आएगी। और जहां पे भी राइट ब्रेन होगा वहां पे हम फील करेंगे। तो विजुअल सेंस के भी दो पार्ट है, एक विजुअल सेंस का पार्ट है वो फील करता है कि हमें पूरा जो व्यू दिख रहा है वो कैसा फील हो रहा है, और दूसरा जो एक ब्रेन का पार्ट है वो क्रिटिकली ऑब्जर्व करता है, माइन्यूट ऑब्जर्वेशन जिसको हम बोलते हैं, कि माइन्यूट छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व करता है। तो दोनों हमें चाहिए, दोनों हमारे लिए यूजफुल है। कहीं पे हम L5 का यूज करते हैं, कहीं पे हम R5 का यूज करते हैं, जहाँ पे इन्वेस्टिगेट करना हो या चीजों को डिटेल में देखना हो, जैसे टीचर को पेपर चेक करना है, एडिटर को एडिट करना है, को फिर से चेक करना है, या पुलिस इंस्पेक्टर है तो उसको भी R5 चाहिए, या किसी को डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर का R5 सबसे स्ट्रांग होना चाहिए। अगर R5 उसका स्ट्रांग नहीं है तो बहुत सारी न्यूज़ हम देखते रहते हैं ना, कि डॉक्टर ने ऑपरेशन के दौरान ये मिस कर दिया, वो मिस कर दिया, तो उसका मेन रीजन R5 है, उसका ऑब्जर्वेशन इतना अच्छा नहीं है, तो इस वजह से R5 वहां पे रोल प्ले करता है। तो अलग अलग प्रोफेशन में अलग अलग लोब्स की हमें जरूरत है, कहीं पे R5 की जरूरत है, कहीं पे L5 की जरूरत है, कहीं पे दोनों के कॉम्बिनेशन की भी जरूरत है। तो माइन्यूट ऑब्जर्वेशन भी चाहिए और विजुअल एप्रिसिएशन भी चाहिए। और आज हम ऑडिटरी जोन की बात करेंगे, टेम्परल लोब जिसको हम बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में, टेम्परल लोब, जहां से हम ऑडिटरी इनपुट लेते हैं। तो उसमें भी दो पार्ट्स है, R4 एंड L4। R4 लेफ्ट ब्रेन का पार्ट है, R4 से हम वर्ड मेमोरी को भी देखते हैं और ऑडिटरी आइडेंटिफिकेशन का पार्ट भी बोलते हैं। तो L4 है वो ऑडिटरी एप्रिसिएशन का पार्ट है, और R4 है वो ऑडिटरी आइडेंटिफिकेशन। ऑडिटरी एप्रिसिएशन मीन्स हमें जो ऑडिटरी इनपुट मिल रहा है वो हमें कैसे फील हो रहा है, हमें क्या फीलिंग आ रही है, उसके पीछे के जो इमोशंस है वो हम कैसे फील कर पा रहे हैं, या टोन में या वॉल्यूम में जो थोड़ा बदलाव हो रहा है, वॉल्यूम ऊपर नीचे हो रहा है, टोन ऊपर नीचे हो रहा है, तो उससे उसके पीछे का मीनिंग क्या है ना। एक ही वर्ड को अगर हम अलग अलग तरीके से वॉल्यूम चेंज करके बोलेंगे तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, टोन चेंज होने से वही वर्ड का मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो विजुअल एप्रिसिएशन का, सॉरी ऑडिटरी एप्रिसिएशन का काम L4 का है, और ऑडिटरी आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन मीन्स वर्ड्स किस तरह से कंस्ट्रक्ट होते हैं, वर्ड का क्या फॉर्मेट होता है, कोई एक पर्टिकुलर वर्ड अगर फॉर्म करना है तो वहां पे क्या माइन्यूट चेंजेस हो रहे हैं वर्ड में, और वो माइन्यूट चेंजेस को अगर ब्रेन अच्छी तरह से ऑब्जर्व करता है तो उस पर्टिकुलर पर्सन या स्टूडेंट की वोकेबलरी अच्छी होती है, वो वर्ड को इजिली कैच कर सकता है, उसमें जो माइन्यूट चेंजेस हो रहे हैं, हम जब बोल रहे हैं वर्ड्स का यूज कर रहे हैं तो कोई भी पर्टिकुलर वर्ड में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, हमारे हमारे जो पीच है उसमें चेंजेस हो रहे हैं, और उसकी वजह से, वो चेंजेस की वजह से वो वर्ड फॉर्म हो रहा है, और वो चेंजेस क्या है वो डिटेल में वही ब्रेन समझ सकता है, इजीली समझ सकता है, अगर उसका R4 हाई है। तो जैसे L5 R5 के बारे में हमने डिस्कस किया था कि L5 R5 अगर हम ऑब्जर्व करें अपनी रूटीन लाइफ में, लाइफ को, डेली लाइफ को, कि किसी हम अगर एक साथ सारे फैमिली मेंबर्स टेलीविजन देख रहे हैं, या
या कोई मूवी देख रहा है तो किसी को ब्राइटनेस कम चाहिए, किसी को ब्राइटनेस ज्यादा चाहिए, ये हमने डिस्कस किया था L5 R5। तो उसका रीजन है, किसी का विजुअल सेंस है वो बहुत अच्छा है, तो विजुअल सेंस बहुत अच्छा है तो उसको कम डेटा मिलेगा तो भी उसका ब्रेन सारी चीजों को अच्छी तरह से समझ पाएगा, परसीव कर पाएगा। उसको अगर ज्यादा ब्राइटनेस अगर हमने दे दी तो उसका विजुअल सेंस ओवरलोड हो जाएगा, उसको हर्ट करेगा एक्चुअल में। तो इस वजह से जिनका विजुअल सेंस बहुत अच्छा होता है, R5 L5 हाई होता है, वो लोग कम ब्राइटनेस पसंद करते हैं। उन लोगों को घर में भी कम रोशनी होती है, या वो लोग लाइट कलर्स ज्यादा पसंद करते हैं। और जिन लोगों का विजुअल सेंस कम होता है वो लोग, उन लोगों को ज्यादा ब्राइटनेस चाहिए, उन लोगों को विजुअल इनपुट्स थोड़ा ज्यादा चाहिए क्योंकि उनका विजुअल सेंस कम है, वो उनका ब्रेन कम डेटा वहां पे ले रहा है विजुअल सेंस के रिलेटेड। तो इस वजह से ये हम रूटीन में ऑब्जर्व कर सकते हैं। और ऐसा ही ऑब्जर्वेशन हम स्टूडेंट के रिलेटेड और हमारी लाइफ में भी ऑडिटरी सेंस के रिलेटेड भी सेम हम कर सकते हैं। जैसे कोई किसी बच्चे का R4 बहुत ज्यादा है तो वो कम एज में ही वोकेबलरी को पिकअप कर लेगा, या कम एज में ही बोलना स्टार्ट कर देगा, जो हम आसपास के बच्चों में देखते हैं ना, कई बच्चे 1-1.5 साल की एज में ही बोलना स्टार्ट कर देते हैं, फ्लुएंट बोलने लगते हैं, लगातार बोलते रहते हैं, और उनकी उनका उनका पीच जो बोलने का एक्सेंट होता है वो भी क्लियर होता है। तो एक्सेंट कहाँ से आएगा और डिलीवरी कहाँ से होगी वो भी हम आगे देखेंगे, उसके लिए दूसरे लोग वहां पे हमें देखने पड़ेंगे। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो वर्ड्स को तुरंत पिकअप कर लेते हैं और अर्ली एज में बोलना स्टार्ट कर देते हैं। तो एक्सेंट और वर्ड वर्ड में जो माइन्यूट डिफरेंस होता है वो ब्रेन तुरंत पिकअप करता है, और इस वजह से उनके लिए वर्ड्स वर्ड मेमोरी डेवलप करना इजी होता है, या उनकी वर्ड मेमोरी बहुत स्ट्रांग होती है, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि वो एक से ज्यादा लैंग्वेज इजीली सीख सकते हैं। और जिनका R4 स्ट्रांग होता है वो लो ग्रामर लैंग्वेज बहुत इजीली सीख सकते हैं। कुछ लैंग्वेज ऐसी होती है जिसमें कम ग्रामर होता है, और कुछ लैंग्वेज ऐसी होती है जिसका ग्रामर कॉम्प्लिकेटेड होता है, या ग्रामर सीखना टफ होता है, इतना इजी नहीं होता है। तो स्पेनिश, पोर्टुगीज, रशियन, इंग्लिश, ये लैंग्वेज ऐसी है कि जिसका ग्रामर इतना डिफिकल्ट नहीं है, और इसी वजह से ये लैंग्वेज बोलने वाले लोग दुनिया में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि ये लो ग्रामर लैंग्वेज है। तो सिर्फ R4 किसी का स्ट्रॉन्ग है तो वो इजीली ये सारी लैंग्वेज सीख सकता है, स्पेनिश, पोर्टुगीज, रशियन, इंग्लिश। और कुछ लैंग्वेजेस है जो हाई ग्रामर लैंग्वेजेस है, जैसे जर्मन, फ्रेंच, संस्कृत, लैटिन, ये हाई ग्रामर लैंग्वेजेस है। जब हम पढ़ाई करते थे तो संस्कृत हम भी सीखते थे ना, या दूसरी रीजनल लैंग्वेज भी सीखते थे, लेकिन हम इतना अच्छी तरह से सीख नहीं पाते थे। संस्कृत का ग्रामर सीखना इतना इजी नहीं होता है क्योंकि उसका ग्रामर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो वो हाई ग्रामर लैंग्वेज है, वहां पे R2 की जरूरत पड़ेगी, लॉजिक की जरूरत पड़ेगी। अगर किसी का लॉजिक अच्छा है तो ही वो हाई ग्रामर लैंग्वेज इजीली सीख सकता है, वरना उसको सीखने में डिफिकल्टी होगी। तो R4 स्ट्रांग होने से ऐसा नहीं है कि सारी लैंग्वेज हम इजीली सीख सकते हैं। R4 स्ट्रांग है तो लो ग्रामर लैंग्वेज सीखना बहुत ईजी होगा, हाई ग्रामर के लिए हमें लॉजिक की जरूरत पड़ेगी, लॉजिकल सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी ग्रामर सीखने के लिए। और कुछ लैंग्वेज होती है जो कैरेक्टर लैंग्वेजेस होती है, जैसे चाइनीज है, जापानीज है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, तेलुगु है, जहां पे अगर कुछ लिखा है तो हमें सब एक जैसा ही लगेगा, है ना। हम एक्चुअल में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे उसको, चाइनीज कहीं पे लिखा है या दूसरी कोई लैंग्वेज। जहां पे कैरेक्टर का फॉर्मेशन मतलब विजुअल इमेजेस की तरह वो लैंग्वेजेस होती है, तो वहां पे हमें R5 की जरूरत पड़ेगी। विजुअल ऑब्जर्वेशन वहां पे स्ट्रॉन्ग चाहिए, माइन्यूट ऑब्जर्वेशन चाहिए, तो ही कैरेक्टर लैंग्वेजेस को हम इजीली कम एफर्ट में सीख सकते हैं। तो इस तरह से लैंग्वेज को भी हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा पार्ट स्ट्रॉन्ग होने से कौन सी लैंग्वेज हम इजीली सीख सकते हैं। और नॉर्मली R4 जिनका ही होता है उनकी वर्ड मेमोरी स्ट्रॉन्ग होती है, और R4 जिनका ही होता है वो जो लैंग्वेज के रिलेटेड सब्जेक्ट होते हैं उसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं, लिसनिंग स्किल्स उनकी अच्छी हो सकती है। और R4 अगर किसी बच्चे का लो है तो उसका मतलब है हम जो वर्ड्स
उनको बता रहे या जो भी इंस्ट्रक्शंस उनको दे रहे हैं, उसका ब्रेन वो तुरंत कैच नहीं कर पा रहा है, या कैच कर रहा है तो भी वो स्लोली कैच कर रहा है, स्पीड में फास्ट वो कैच नहीं कर पा रहा है। इस वजह से हमने जो बताया है वो बच्चे से रिपीट करवाना इम्पोर्टेंट है, ताकि हमें समझ में आए कि बच्चा एक्चुअल में हमारी बात को समझ पाया है कि नहीं समझ पाया। और छोटे बच्चों के केसेस में ये बहुत होता है कि हम बार बार बताते हैं लेकिन बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं करता है। उसका रीजन है कि बच्चे को लैंग्वेज समझ में ही नहीं आ रही है, उसका लैंग्वेज परसीव करने वाला या लैंग्वेज समझने वाला पार्ट है वो इतना अच्छा नहीं है, बाय डिफॉल्ट वो कम हो सकता है। तो वर्ड्स का फॉर्मेशन उसको समझ में नहीं आ रहा, वर्ड्स में जो एक्सेंट या फ्लो ऊपर नीचे हो रहा है वो इजिली तो समझ नहीं पा रहा है, तो ये हो सकता है। हाँ, और L4 के बारे में बात करें तो L4 विज ऑडिटरी अप्रिसिएशन का पार्ट है, जहाँ पे हम फील करते हैं कि वर्ड्स जो जो भी वर्ड्स आ रहे हैं उसके पीछे का मीनिंग क्या है, उसके पीछे क्या फील है, इमोशंस क्या है। तो L4 से इमोशंस भी देखते हैं और टोन पिच रिदम भी हम देखते हैं, वॉइस मॉड्यूलेशन, वॉइस में क्या चेंजेस हो रहे हैं, छोटा सा माइन्यूट चेंज भी वहां पे ऑब्जर्व कर सकते हैं अगर L4 अच्छा है। म्यूजिक सेंस इनकी अच्छी होती है, जिनका L4 अच्छा होता है वो लोग, ऐसा हो सकता है कि वो लोग इमोशंस की वजह से सिंपथाइज हो जाए, या उनके इमोशंस तुरंत ट्रिगर हो जाए, वो लोग तुरंत इमोशनल हो जाए, सिचुएशन या एनवायरनमेंट चेंज होने से उनका मूड चेंज हो जाए, पॉजिटिव एनवायरनमेंट है तो तुरंत पॉजिटिव हो जाए, नेगेटिव एनवायरनमेंट है तो तुरंत नेगेटिव हो जाए। तो वो लोग एनवायरनमेंट को फील करते हैं, एनवायरनमेंट के इमोशंस को फील करते हैं और उसी इमोशंस की वजह से वो ट्रिगर हो जाते हैं अगर L4 हाई है। उस यहाँ पे दूसरे कॉम्बिनेशंस भी हम आगे जाके देखेंगे कि दूसरे इमोशंस में दूसरे लोग से वो क्या रोल प्ले करेंगे आगे। साउंड पैटर्न्स को वो इजिली समझ सकते हैं, लिसनिंग स्किल्स यहाँ से देखा जाता है। अगर L4 लो है तो कई लोगों को हमने देखा है कि वो पर्टिकुलर टाइप का म्यूजिक या पर्टिकुलर टाइप के गाने सुनना ही पसंद करते हैं। उसका रीजन है उनका L4 लो है, वो सारे पैटर्न से उनका ब्रेन एंटरटेन फाइंड नहीं कर सकता इस वजह से। और कुछ लोगों को आपने ऑब्जर्व किया होगा कि गाना कैसा भी हो वो लोग सुनेंगे, है ना, कैसा भी गाना हो, गाने के पीछे कोई मीनिंग हो ना हो, उसका म्यूजिक अच्छा हो ना हो, लेकिन फिर भी वो सुनना प्रिफर करते हैं। मतलब कोई कोई भी टाइप का गाना हो, उसका ब्रेन उसमें से कोई पैटर्न सर्च कर लेगा और उसमें से भी उससे भी वो रिलेट करने लगेगा। जबकि L4 लो है तो वो स्पेसिफिक गाने या स्पेसिफिक टाइप का म्यूजिक ही सुनना पसंद करेंगे, ऐसा हो सकता है। मोनोटोनस वॉइस वो हो सकता है, उसमें दूसरे लोब्स का भी रोल है तो वो आगे हम देखेंगे। तो L4 R4 अगर दोनों हाई है और बैकग्राउंड म्यूजिक अगर प्ले कर रहे हैं तो लिरिक्स बिना लिरिक्स के प्ले करना चाहिए, इसको थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। जैसे कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे हैं वो जब स्टडी करते हैं, उनको हम स्टडी करने बिठाते हैं, कुछ रीड करने के लिए बोलते हैं, तो वो अकेले रीड नहीं कर पाते हैं। वो कहीं पे ड्राइंग रूम में जाएंगे जहाँ पे सारे लोग बैठे हैं, या दूसरे बच्चे जहाँ पे काम करते हैं वहां पे जाएंगे और वहां पे रीड करना पसंद करेंगे, वो अकेले रीड करना पसंद नहीं करेंगे। उसका रीजन ये होता है कि उनका ऑडिटरी सेंस ज्यादा है विजुअल सेंस के कंपैरिजन में, तो सिर्फ विजुअल इनपुट उनको देंगे तो उसका ब्रेन तुरंत बोर हो जाएगा, क्योंकि विजुअल सेंस बाय डिफॉल्ट उसका कम है और ऑडिटरी सेंस ज्यादा है, तो ऑडिटरी इनपुट्स उनके ब्रेन को चाहिए। और ऑडिटरी इनपुट का सपोर्ट मिलेगा तो विजुअल सेंस थोड़ा देर के लिए ज्यादा वहां पे सस्टेन कर पाएगा। तो इस वजह से कुछ बच्चे अकेले सिर्फ विजुअल सेंस के साथ काम नहीं कर पाते हैं, उनको ऑडिटरी इनपुट्स की भी जरूरत होती है। और यहाँ पे काइनेस्थेटिक अच्छा है तो वो भी आगे हम देखेंगे काइनेस्थेटिक का क्या रोल होता है। और जब हम साथ में फैमिली के साथ जब कोई मूवी या टेलीविजन देख रहे हैं तो यहाँ पे ऑडिटरी जोन में भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कुछ लोगों को कम वॉल्यूम चाहिए जब वो कुछ भी देख रहे हैं टेलीविजन में, और कुछ लोगों को ज्यादा वॉल्यूम चाहिए, ये आप ऑब्जर्व कर सकते हैं इजिली।
जिनको कम वॉल्यूम चाहिए उनका ऑडिटरी सेंस कम है, इसलिए उनको ज्यादा वॉल्यूम होगा तो ही अच्छी तरह से समझ में आएगा। और जिनको जिनको ज्यादा सॉरी जिनको कम वॉल्यूम चाहिए उनका ऑडिटरी सेंस अच्छा है, इस वजह से वो कम वॉल्यूम में भी पूरी तरह से अच्छी तरह से सुन लेंगे। और जिनका ऑडिटरी सेंस अच्छा है वो लाउड जहाँ पे भी कहीं पे एनवायरनमेंट होगा ना वहाँ पे तुरंत इरिटेट हो जाएंगे, क्योंकि उनका ऑडिटरी सेंस इतना अच्छा है कि थोड़ा सा भी ऑडिटरी इनपुट बढ़ा देंगे तो उनके लिए ओवरलोड हो जाएगा। उनको बहुत ही इरिटेटिंग फील होगा क्योंकि बहुत सारा डेटा उनके ब्रेन को मिलेगा एक साथ और वो हैंडल नहीं कर पाएंगे। लेकिन जिन लोगों का ऑडिटरी सेंस कम है वो लाउड एनवायरनमेंट को हैंडल कर सकते हैं, या नॉर्मली जब वो कुछ सुन रहे हैं तो थोड़ा लाउड उनको वॉल्यूम चाहिए क्योंकि उनका ऑडिटरी सेंस कम है। तो ये आप ऑब्जर्व करेंगे, ऑडिटरी को इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और जिनका ऑडिटरी सेंस अच्छा है बच्चे का उसको ऑडिटरी इनपुट देना चाहिए जब वो पढ़ रहा है, चाहे बैकग्राउंड में हम लाइट म्यूजिक ही प्ले करें तो भी चलेगा, लेकिन ऑडिटरी सेंस को इनपुट मिलेगा तो ब्रेन उसका वहां पे बना रहेगा, रिलैक्स रहेगा। और विजुअल सेंस का जो विजुअल सेंस की वजह से जो स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है वो कम हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। तो इस तरह से नॉर्मली ऑडिटरी सेंस हमारा काम करता है। और पेराइटल लोब